हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, मुझे कुछ टाइम पहले मेरे एक वीडियो पर कमेंट आया था कि ब्रो प्लीज़ मेक अ वीडियो फॉर अ ज्वेलरी बैनर। सो आज हम उसी बात करेंगे कि हम ज्वेलरी का बैनर कैसे बना सकते हैं। अगर आपको भी किसी कंटेंट पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो पर कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर मैंने अपनी इमेज ऑलरेडी ओपन करके रखी हुई है। मैंने इसका कटआउट पहले ही निकाला हुआ है पेन टूल से। अगर आपको नहीं पता कि हम पेन टूल से कैसे बैकग्राउंड रिमूव करते हैं तो यहां आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सो आप वो देख सकते हैं वीडियो। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को अपने डॉक्यूमेंट में ले जाता हूँ। यहाँ पर मैंने इसका कटआउट निकाला हुआ था तो मैं इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ एक बार, ठीक है। और बैकग्राउंड का कलर मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि इसको मेरे को डार्क लुक देना है थोड़ा सा, तो मैं इसको ब्लैक कलर दे देता हूँ। एस अभी ये भी रॉ इमेज है तो इसके थोड़ा सा हमें सही करना पड़ेगा इमेज को। सबसे पहले हम एक न्यू लेयर ले लेंगे और यहाँ पर जो छोटे छोटे मार्क्स हैं इसके वो चीज़ें हटानी पड़ेंगी हमें। तो हम या तो स्पॉट हीलिंग टूल यूज़ कर सकते हैं या क्लोन स्टैम्प टूल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं स्पॉट हीलिंग यूज़ कर रहा हूँ और छोटे छोटे मार्क्स जो हैं इसके वो हटा रहा हूँ। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं इसको बीच बीच में फास्ट फॉरवर्ड भी करता रहूँगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मली मैं ड्रैग करूँगा तो फिर यहाँ पर ये आसपास के कलर के हिसाब से फिल करना स्टार्ट कर देता है। सो बेसिकली स्पॉट हीलिंग टूल का काम क्या होता है कि आसपास के कलर के हिसाब से वो फिल कर देता है उसको। और क्लोन स्टैम्प टूल क्या करता है कि एग्जैक्ट जहाँ से आप स्पॉट उठाते हैं वहाँ पर आप डायरेक्टली वही चीज़ पेस्ट कर सकते हैं जहाँ पर आप पेस्ट करना चाहते हैं सेम चीज़, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर थोड़े से इसके जो भी थे स्पॉट्स वो हटा दिए हैं। मैं क्या करता हूँ कि बैकग्राउंड मेरे को ज़्यादा ही ब्लैक लग रहा है तो मैं इसमें क्या करता हूँ, इसको ग्रेडियंट लुक दे देता हूँ थोड़ा सा। तो मैंने इस बैकग्राउंड को कॉपी करा है और डबल क्लिक करके मैं इफ़ेक्ट्स के पैनल में आ गया और यहाँ पर मैं ग्रेडियंट दे देता हूँ। यहाँ मेरा ग्रेडियंट ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो मैं ये ग्रेडियंट दे देता हूँ। ये ग्रेडियंट बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। सो अब मैं क्या करता हूँ, एक चीज़, अब मैंने इसके पैटर्न को तो सही कर दिया है, इसके स्पॉट्स को तो हटा दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हाईलाइट दे देते हैं। तो हाईलाइट हम कैसे दे सकते हैं, कर्व्स के थ्रू हम दे सकते हैं। इफ़ेक्ट्स में जा कर के, यहाँ पर आप इफ़ेक्ट्स में जा कर के कर्व्स दे देंगे। तो यहाँ से हैंड टूल से आप बता सकते हैं कि कहाँ से आपको ज़्यादा शाइनिंग चाहिए, लाइट ज़्यादा चाहिए या फिर डार्किश चाहिए। अभी देखिए पूरे उसमें हो रहा है, सिर्फ मेरे को नेकलेस में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन है, क्लिप टू द लेयर, सिर्फ ये इस मास्क पे क्लिप करेगा। अब यहाँ से थोड़ा सा डार्क चाहिए मेरे को, ये देखिए क्या अलग ही शाइनिंग आने लगी है। और यहाँ से विदाउट इसके और इसके साथ, ये देखिए कितना अलग इफेक्ट आने लगा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अभी ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि चिपका हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डबल क्लिक करके इसको हम ड्रॉप शेडो देंगे। यहाँ पर ड्रॉप शेडो पहले तो थोड़ी सी हम डार्क देंगे बिल्कुल, जो कि बिल्कुल पास में हो इतनी, ठीक है।
आप देख लीजिए कि आपको कैसी ड्रॉप शेडो देनी है। आप शेडो पे जितना वर्क करेंगे उतनी ही इमेज आपकी अच्छी बनती है। एक और मैं ड्रॉप शेडो दूंगा थोड़ी सी ब्लर्ड, थोड़ी सी ब्लर्ड ड्रॉप शेडो देंगे, उसका साइज मतलब हम बढ़ा देंगे ताकि वो थोड़ा सा ब्लरी लुक दे। ठीक है, एक और देंगे हम ड्रॉप शेडो, क्योंकि आप जितना शेडो पे वर्क करेंगे उतना ही आपकी इमेज और अच्छी बनेगी। यहाँ देखिए तो यहाँ पर टोटल मैंने 3 ड्रॉप शेडोज़ दिए हैं। मैं ओके कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए इफ़ेक्ट्स बन जाता है यहाँ पर ड्रॉप शेडो का। अगर मैं बिना ड्रॉप शेडो के देखूँगा तो देखिए ऐसा लग रहा है चिपका हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कितना ओरिजिनल दिख रहा है यहाँ पर। तो ड्रॉप शेडो से बहुत फ़र्क पड़ता है आपके ऑब्जेक्ट पर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर बैकग्राउंड में हम एक पैटर्न लुक दे देते हैं। एक पैटर्न देंगे, यहाँ पर मेरे पास पैटर्न की इमेज है, मैं वो ले आता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं पैटर्न ले आया हूँ, पर ये बहुत अजीब सा लग रहा है। तो मैं इसका क्या करूँगा, यहाँ पैटर्न में मैं इसका लेयर मोड चेंज कर दूँगा। यहाँ पर ओवरले ले लेते हैं हम, ओवरले अच्छा लग रहा है यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा शेडो भी इतना हाईलाइट नहीं हो पा रहा। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सी ओपेसिटी इसकी कम कर देते हैं, अराउंड 58, 58 इज़ ओके, या डायरेक्टली 60 कर देते हैं, 60 इज़ ओके। ठीक है, अब हमारे पास कुछ कंटेंट है, ब्राइट एंड शाइनी, ब्यूटीफुल एंड बोल्ड। ठीक है, तो हम कंटेंट यहाँ पर लिख देते हैं, सिंपल ही हम लिखेंगे। अब आपको पता ही है कि हमारे पास अगर ज्वेलरी का हो या कोई लग्जीरियस आइटम हो तो उसमें हम टेक्स्ट कौन सा यूज़ करेंगे, फॉन्ट कौन सा यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सेरिफ फॉन्ट। तो हम यहाँ पर पहले कंटेंट लिख लेते हैं अपना, ब्राइट एंड शाइनी। तो यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, अभी ये ब्लैक फील्ड है तो यहाँ पर हम इसको वाइट कर लेते हैं और इसका बड़ा कर देते हैं। अभी तो फिर यहाँ पर हम टाइम्स न्यू रोमन यूज़ नहीं करेंगे, ये मेरा पहले से सिलेक्टेड था। हम यहाँ पर दूसरा फॉन्ट यूज़ करेंगे, टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर, मेरे पास कुछ सेरिफ फॉन्ट तो है एक अच्छा सा, शायद मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी उसको यूज़ करा है, तो आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर लवलेस यूज़ कर लेता हूँ इसको, हाँ मैंने पिछले वीडियोस में यूज़ करा हुआ है। तो ब्राइट एंड शाइनी को हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, राइट। एंड ब्यूटीफुल एंड बोल्ड भी हमें दिखाना है तो हम वो भी लिख लेते हैं, एंड बोल्ड को भी छोटा ही लिखेंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इसको बोल्ड ही रहने देंगे, पर ऊपर वाले को हम बोल्ड नहीं, मीडियम देंगे इसको। ठीक है, क्योंकि बोल्ड वर्ड भी आ रहा है तो हमें उसको थोड़ा सा हाईलाइट करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने बोल्ड को बोल्ड कर दिया है। मीन्स बोल्ड इन द सेंस, ये वाला बोल्ड जो है उसको हमने बोल्ड कर दिया। तो अब ये थोड़ा सा ठीक तो लग रहा है, बट कुछ कमी है यहाँ पर। ये दोनों मैच ही हो रहे हैं, मतलब कलर थोड़ा सा अगर हम चेंज कर देंगे कलर, इसको इस ऑब्जेक्ट के इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कर देंगे तो फिर सही रहेगा। हम इसको थोड़ा सा गोल्डिश लुक, ये कुछ ज़्यादा ही हल्का हो गया। इज दिस ओके, आई थिंक दिस इज ओके। या नाउ, अब आपने देखा होगा कि लग्जीरियस बैनर में मोस्टली क्या होता है कि एक लाइन होती है वहाँ पर,
नॉर्मल सिंपल लाइन नहीं होती है वो, मतलब जाती हुई जैसे एकदम वैनिश सी हो जाती है। तो वो कैसे बनानी है, मैंने एक न्यू लेयर लिया टेक्स्ट लेयर के नीचे ही, मैं ब्रश लूँगा ठीक है, ब्रश को मैंने थोड़ा सा बड़ा करा, आपको पता है कि मैं बड़ा छोटा मैं कैसे कर रहा हूँ, प्रेस ऑल्ट और राइट क्लिक से, आप अगर राइट करेंगे तो बड़ा होगा, लेफ्ट करेंगे तो छोटा होगा, ऊपर करेंगे तो सॉफ्टनेस होगी, नीचे करेंगे तो हार्ड होगा ठीक है, सॉरी, तो हम ऊपर करेंगे, इसको सॉफ्ट ब्रश चाहिए और हम यही कलर लेंगे, ऑल प्रेस करके मैंने ये कलर ले लिया और यहाँ पर हम फिल कर देंगे ठीक है। अभी तो ये अजीब सा लग रहा है, कंट्रोल टी प्रेस करते हैं हम, फिर इसको हम ऑल शिफ्ट प्रेस करके इसको पतला कर देंगे, अभी तो बहुत हैवी सा हो रहा है ये, बहुत मोटा सा है, तो ये देखिए अभी भी बहुत ज़्यादा मोटा है, तो हम इसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं, तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लुक आ रहा है यहाँ पर, इन सबको पकड़ के सेंटर अलाइन कर देते हैं, सेंटर हॉरिजॉन्टली ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ एक लोगो की कमी है, तो मेरे पास लोगो भी है, मैं यहाँ पर लोगो, ये रहा मेरा, मैंने ये डाउनलोड करा था कहीं से, ये मेरे हाथ का नहीं है, ये डाउनलोड करा हुआ है, सो यहाँ पर मैं लोगो भी ले आता हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और ये लोगो भी कहीं ना कहीं इसके साथ ही मैच हो रहा है, क्योंकि इन लोगों में नेकलेस का लुक एंड ऑल, तो वो कहीं ना कहीं मैच कर रहा है उसके साथ, इसलिए मैंने ये लोगो लिया था। तो यहाँ पर देखिए ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, एक छोटा सा इफेक्ट है जो मैं हर बार देता हूँ, तो मैं यहाँ पर सबसे टॉप पर क्या करूँगा, अपने इफेक्ट्स में जाके कलर लुकअप दूंगा, अब कलर लुकअप देख लेते हैं कौन सा अच्छा लगेगा, लेकिन ये अच्छा लग रहा है, ये वाला देखिए थ्री स्ट्राइक, तो थ्री स्ट्राइक देखिए कितना अच्छा लुक दे रहा है। तो देखिए हमारा सिंपल सा ज्वेलरी बैनर कितना अच्छा लग रहा है, सो देखिए सिंपल सिंपल चीज़ों से हम कितना अच्छा बैनर बना सकते हैं, मोस्टली हमें ऑब्जेक्ट पर, उसकी शाइनिंग पर और उसके शेडो पर हमें ध्यान देना चाहिए, जिससे कि वजह से हमारा बैनर और भी अच्छा उभर के आता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक इट, एंड अगर आपको कोई भी कंटेंट चाहिए हो, किसी भी कंटेंट पर वीडियो चाहिए हो, देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, जैसे कि मेरे को ये कमेंट किया गया था कि ज्वेलरी बैनर पे आप बनाइए, तो मैंने देखी है यहाँ पर ज्वेलरी बैनर पे बनाई है वीडियो, अगर आप भी कमेंट करेंगे तो आपके भी आपके लिए भी मैं कोई ना कोई वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, सो प्लीज़ एंड कीप सपोर्टिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस एंड कीप वॉचिंग डेस्पिक्स, थैंक यू सो मच। Oh,